हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। समटाइम्स ए पार्टनर इज एडमिटेड इन टू द फर्म विद ए गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट बाय वे ऑफ इट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कई बार क्या होता है कि जब एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है फर्म में, उसका एडमिशन होता है, तो उसे गारंटी दी जाती है कि एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट जो कि प्रॉफिट शेयर होगा उसका, वो उसे जरूर दिया जाएगा। सच एश्योरेंस मे बी गिवन बाय ऑल दी ओल्ड पार्टनर इन ए सर्टेन रेशियो। जो एश्योरेंस अमाउंट उसको बोली गई है कि गारंटी अमाउंट में दी जाएगी, और उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस अमाउंट मिनिमम अमाउंट से जो कम होता है, तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगी वो क्या, कौन बियर करेगा? वो ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे इन सर्टेन रेशियो में। फर्स्ट केस, इन सर्टेन रेशियो में बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर। और कई बार क्या होगा, उसे केवल कोई एक ओल्ड पार्टनर भी बियर कर सकता है इंडिविजुअली टू द न्यू पार्टनर, जो कि न्यू पार्टनर को वो अकेला पार्टनर जो है पेमेंट करेगा, या जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे फर्म में वो सब एक फिक्स जो एग्रीड रेशो जो उनकी की गई है पार्टनरशिप डीड में, उसमें उसे बियर करेंगे। द मिनिमम गारंटी अमाउंट शैल बी पेड टू सच न्यू पार्टनर व्हेन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट। और ये पेमेंट कब की जाएगी, मिनिमम अमाउंट जो गारंटी अमाउंट की पेमेंट है वो न्यू पार्टनर को तब की जाएगी जब उसका शेयर जो प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो बनता है वो कम है, तब उसे जो है अमाउंट की पेमेंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा की जाएगी। इस कंसेप्ट को हम जो है एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मधुलिका एंड रक्षिता हु आर दी पार्टनर इन ए फर्म डिसाइडेड टू एडमिट कनिष्का इनटू दी फर्म। टू पार्टनर ऑलरेडी हैं बिजनेस में और उन्होंने जो एडमिट किया है कनिष्का को किया है, गिविंग हर दी गारंटी ऑफ ए मिनिमम ऑफ ₹25,000 कि उसका जो मिनिमम गारंटी अमाउंट जो प्रॉफिट का है वो 25,000 रहेगा फर्म के प्रॉफिट जो शेयर के रूप में। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है वो 1,20,000 है। एंड द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 2:3:1। जो फर्म की एग्रीड शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:3:1 है। एज पर दिस रेशियो मधुलिका शेयर प्रॉफिट दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/6 मीन्स 2/6 ऑफ 1,20,000। एंड रक्षिताज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/6 एंड कनिष्का जो प्रॉफिट शेयरिंग इज 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6। ये जो है हमने प्रॉफिट जो 1,20,000 का था उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर जो गारंटी अमाउंट प्रॉफिट की जो है वो कनिष्का को है। कनिष्का जो है प्रॉफिट है दैट इज 20,000 बट गारंटी प्रॉफिट इज 25,000। सो देयर इज डेफिशिएंसी जिसको आप शॉर्ट ऑफ गारंटी अमाउंट भी बोल सकते हो। द शेयर ऑफ कनिष्का वर्क आउट टू बी ₹5,000 शॉर्ट ऑफ द गारंटी अमाउंट। राइट स्टूडेंट, कनिष्का का जो प्रॉफिट बनता है वो 20,000 है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1,20,000 पर, लेकिन जो उसको मिनिमम गारंटी दी गई है वो 25,000 की है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 5,000 का है जिसको आप डेफिशिएंसी अमाउंट बोलोगे या शॉर्ट ऑफ द गारंटी अमाउंट इज ₹5,000। राइट स्टूडेंट, नाउ दिस शैल बी बोर्न बाय द गारंटिंग पार्टनर मधुलिका एंड
रक्षिता। ये जो 5000 है कौन बियर करेंगे? दोनों जो ओल्ड पार्टनर है मधुलिका और जो सेकेंड पार्टनर है वो रक्षिता, ये दोनों बियर करेंगे। यहाँ पर जो रेशियो रहेगी बियर करने की 2:3, रेशियो 2:3 में बियर करेंगे। तो मधुलिका जो शेयर प्रॉफिट जो उसे डेफिशिएंसी अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी दैट इज 5000 × 2/5 एंड रक्षिता शेयर प्रॉफिट दैट इज 3000 क्योंकि जो है जो हमारी मधुलिका बियर कर रही है वो 2000 एंड रक्षिता बियर कर रही है 3000। फर्स्टली हमने राइट किया डेफिशिएंसी अमाउंट 5000 दैट विल बी बियर बाय मधुलिका एंड रक्षिता इन द रेशियो ऑफ 2:3। मधुलिका शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 2000, रक्षिता 3000। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एज फॉलोस। अब हम चेक करेंगे कि तीनों पार्टनर का जो एग्जैक्ट शेयर कितना कितना होगा जो कि प्रॉफिट का पार्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उसे राइट अप करेंगे, डिविजिबल करेंगे। मधुलिका जो कि एक्चुअल जो प्रॉफिट उसका बन रहा था 40,000 बट उसे 2000 जो है डेफिशिएंसी अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी कनिष्का को, तो रिमेनिंग अमाउंट जो उसका प्रॉफिट रहेगा 38,000। राइट स्टूडेंट, उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा वो 38,000 रहेगा। और रक्षिता का जो एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 का था तो उसे जो डेफिशिएंसी अमाउंट 3000 बियर करनी पड़ रही है तो उसका रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा प्रॉफिट का 57,000 रहेगा। उन दोनों के प्रॉफिट में से जो एक्चुअल उनको प्रॉफिट हुए हैं उनमें से हम डेफिशिएंसी अमाउंट को माइनस करेंगे। राइट स्टूडेंट, और कनिष्का के जो प्रॉफिट के अंदर हम जो है दोनों से डेफिशिएंसी अमाउंट जो रिकवर हो रही है उनको प्लस करेंगे। कनिष्का का जो शेयर है वो 20,000 एक्चुअली था प्लस ट्रांसफर फ्रॉम मधुलिका। जब हम मधुलिका का शेयर करेंगे उसका 40,000 था लेस जो अमाउंट राइट की थी तो उसके लिए वर्ड राइट करेंगे ट्रांसफर टू कनिष्का, और जब कनिष्का में राइट अप करेंगे तो ट्रांसफर फ्रॉम मधुलिका कि मधुलिका से उसे मिला 2000 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम रक्षिता 3000। टोटल जो है कनिष्का का कितना हुआ 25,000। तो इस टाइप से जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर का जो है प्रॉफिट जो शेयर है वो रिड्यूस होगा और कनिष्का का जो गारंटी अमाउंट 25,000 तक दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, इफ ओनली वन पार्टनर गिव्स द गारंटी से इन द अबोव केस, सेम यही केस, और अगर गारंटी ओनली एक पार्टनर ने दी हो, फॉर एग्जाम्पल ओनली रक्षिता ने दी हो गारंटी कि अगर जो है कनिष्का का जो है प्रॉफिट शेयर 25,000 से कम होगा तो वो जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगी वो सारा का सारा डेफिशिएंसी अमाउंट रक्षिता बियर करेगी। तो यहाँ पर जो है 5000 की डेफिशिएंसी अमाउंट है तो सारी अमाउंट जो है डेफिशिएंसी वो रक्षिता बियर करेगी जो कि उसी के प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। उस दूसरा जो पार्टनर है मधुलिका उनकी प्रॉफिट शेयरिंग पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनका जो प्रॉफिट था 40,000 वो सेम 40,000 रहेगा। रक्षिता का स्टार्टिंग जो हमने फाइंड आउट किया था 60,000 और उसमें से डेफिशिएंसी अमाउंट जो 5000 की है वो डिडक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट रहेगा 55,000 रहेगा। और कनिष्का का जो प्रॉफिट है वो जो एक्चुअल प्लस डेफिशिएंसी अमाउंट रिसीव फ्रॉम रक्षिता तो उसका 25,000 बन जाएगा। तो इस तरह जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन केस ऑफ गारंटी। जब पार्टनर ने न्यू पार्टनर को गारंटी दिया है तो जिस टाइप से बोला हुआ होगा क्वेश्चंस में जो भी आपको रेशियो दें तो रेशियो के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, और अगर
किसी एक पार्टनर के बियर के बारे में बोला है तो वो अकेला पार्टनर उसे बियर करेगा. राइट स्टूडेंट? यस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इलस 10, सेम बेस्ड ऑन द गारंटी टॉपिक. मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिट राहुल एज पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विद ए गारंटी दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एट लीस्ट ₹50,000. राहुल को एडमिट किया गया है फर्म में और मोहित और रोहन जो है पहले प्रॉफिट जो उनकी ऑलरेडी शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:1. राहुल को एडमिट जब हुआ किया गया तो उसे गारंटी दी गई कि उसे प्रॉफिट का 1/4 शेयर जो है गारंटी अमाउंट के रूप में दिया जाएगा. लेकिन वहाँ पर जो ये भी बोला गया कि उसका अमाउंट 50,000 से कम नहीं होगा. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वाज ₹1,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस. सेम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो पहले स्टूडेंट हमने फॉर्मेट जो डिस्कस किया था सेम रहेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट गिवन हो आपके और ऊपर राइट कर देंगे बुक्स ऑफ मोहित रोहित एंड राहुल. राइट स्टूडेंट? फॉर्मेट सिंपल. पर्टिकुलर्स अमाउंट. फर्स्ट हम जो है हमारे पास ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो राइट करेंगे क्रेडिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 1,60,000. ये प्रॉफिट जो है फर्म में हमें जो है सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है. इसकी जर्नल एंट्री स्टूडेंट जो सबसे पहले मैंने आपको अप्रोप्रिएशन की एंट्री करवाई थी तब बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले जो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफ़र किया जाता है और उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. राइट स्टूडेंट? यस. यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक वर्किंग नोट पहले मेंटेन करना होगा क्योंकि वर्किंग नोट से ही हमें मालूम होगा कि उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो गारंटी अमाउंट से कम है या गारंटी अमाउंट है या उससे ज़्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है गारंटी अमाउंट फाइंड करने के लिए कि वो कवर कर रहा है या नहीं उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे. द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर इज 2:1:1. राइट स्टूडेंट? एज पर दिस रेशियो पार्टनर शेयर प्रॉफिट फर्स्ट मोहित सेकेंड रोहन एंड राहुल थर्ड. फर्स्ट मोहित टोटल प्रॉफिट 1,60,000 2/4. जो ये रेशियो है आपके क्वेश्चंस के अंदर हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो हमें यहाँ पर जो है टोटल गिवन है दैट इज 2:1 जो इस क्वेश्चन में है 2:1. तो इसके लिए हमारे पास मेथड है या तो हम क्वेश्चन में जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करें. ठीक है राइट स्टूडेंट? या फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले हम जो राहुल है उसका शेयर जो है 1/4 वो हम जो है उसको फाइंड आउट कर लें. जैसे यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो हमारे पास 1,60,000 है उसका 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 1,60,000 दैट इज 40,000 बट गारंटी मिनिमम अमाउंट इज 50,000. इट मीन्स डेफिशिएंसी अमाउंट 10,000 दैट शैल बी बोर्न बाय मोहित एंड रोहन इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग दैट इज 2:1. उससे पहले हमें यहाँ जो है क्वेश्चंस में मोहित और रोहन का भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जो कि रेशियो है 2:1 और 1/4 हमारा जो है न्यू पार्टनर. तो यहाँ जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले कि लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो हमारा मेथड कैसे रहेगा, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
Here we find out first new profit sharing ratio. The new profit sharing ratio calculation is the new partner Rahul's share is 1/4. Total profit assume 1. Here first we assume the total profit in the firm 1. New partner Rahul share 1/4. The remaining profit is 1 - 1/4, that is 3/4. In this case, we assume that 3/4 profit to be shared by Mohit and Rohan in the ratio of 2:1. जब हमारे questions में students की only old ratio होती है और new share का जो new partner है उसका share होता है, तब हमें जो है केस, इस केस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इट मीन्स न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी होती है। और न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करना होता है। हियर फर्स्ट वी एज्यूम द टोटल प्रॉफिट बी 1 एंड राहुल शेयर 1/4। राहुल का शेयर फिक्स है 1/4 और रिमेनिंग शेयर 3/4। तो यहाँ पर हम जो है एज्यूम करते हैं स्टूडेंट, हियर वी एज्यूम्ड दैट 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर बाय मोहित एंड रोहन इन द रेशियो ऑफ 2:1। मोहित न्यू शेयर ऑलरेडी रेशियो इज 2:1 बट रिमेनिंग प्रॉफिट इज 3/4। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2/4 एंड सेम कैलकुलेट रोहन न्यू शेयर्स दैट इज 1/4। देन राइट दी हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 2/4, 1/4, 1/4। हेयर एलसीएम आर सेम, इट मीन्स 2:1:1 रेशियो इज द न्यू रेशियो। सो वी फाइंड the profit equal to find distribute the profit divisible in the ratio of 2:1:1। Right student, जो questions में हमें 1,60,000 का profit है उसको हम 2:1:1 ratio में distribute करेंगे। For example, मोहित share 80,000, रोहन share 40,000, राहुल share 40,000। But since Rahul has given the guarantee of minimum of ₹50,000, but as the in the case here profit is only 40,000, it means here deficiency of ₹10,000, 50,000 - 40,000, that shall be borne by Mohit and Rohan. हेयर इन क्वेश्चंस मोहित और जो रोहन दोनों पार्टनर हैं जो है इस लॉस को बियर करेंगे जो रेशियो है 2:1। राइट, फर्स्ट डेफिशिएंसी अमाउंट एंड देन दैट इज बोर्न बाय मोहित एंड रोहन। मोहित शेयर इन डेफिशिएंसी कम्स टू 2/3, 2:1 रेशियो, 2/3 इंटू 10,000, that is 666.66। तो इसे हम क्या करेंगे, अप्रोक्स कर देंगे। नेक्स्ट इफ जो हमारा 5 और 5 से वो होता है डेसिमल के बाद, तो हम जो हमारा प्रीवियस डिजिट होता है उसको क्या करते हैं, उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं और अप्रोक्स जो है कर देंगे। सेम रोहन शेयर इन डेफिशिएंसी कम्स टू 1/3 ऑफ 10,000, that is ₹3,333। thus Mohit will get ₹80,000 - 6,667। जो मोहित का प्रॉफिट है उसमें से हमें जो है माइनस करना है 6,667 रुपीज। और राइट करेंगे हम जो लाइन्स राइट करेंगे, दैट मोहित प्रॉफिट लेस ट्रांसफर टू
transferred to Rahul. Right, student? Same. Rohan will get 40,000 minus 3,333. Remaining profit is, Rohan remaining profit is 36,667. सेम जो है फॉर्मेट के अंदर हम राइट करेंगे ट्रांसफर टू राहुल एंड राहुल विल गेट 40,000 प्लस 6,667 ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर मोहित एंड रुपीज 3,333 दैट रिसीव फ्रॉम रोहन और टोटल इक्वल टू 50,000. Right, student? Next, these working note amount write in the or posted in the profit and loss appropriation. Right, student? Same format जो हमने maintain किया था, अब हम जो है इसे post करेंगे. First, profit and loss amount जो हमारे पास है questions में write in credit side. Because profit and loss appropriation account always maintain from profit, net profit, which is maybe given in the question or sometimes we have to find it. Right side, only one amount write by profit and loss account, 1,60,000. Right student? And write in debit side. फॉर्मेट जो है वही सेम है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट्स. फर्स्ट मोहित कैपिटल, मोहित कैपिटल राइट इन ब्रैकेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल 80,000 जो है अभी कॉलम्स के अंदर ही आपने राइट अप करना है प्लस शेयर इन डेफिशिएंसी 6,667 एंड रिमेनिंग बैलेंस इज 73,333. Next, to Rohan share of profit that is 40,000 less transfer to Rahul या इसके प्लेस पर आप राइट कर सकते हो शेयर इन डेफिशिएंसी 3,333 एंड बैलेंस इज 36,667. थर्ड पार्टनर टू राहुल्स कैपिटल ब्रैकेट में राइट अप शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. सबसे पहले इनकी जो है हमें कॉलम में ही कैलकुलेशन करनी होगी कंप्लीट देन राइट इन दी अमाउंट्स कॉलम. एड डेफिशिएंसी अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहित एंड रोहन 6,667 and Rohan amount 3,333, right? 50,000. इस टाइप से जो है हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन होगा और सभी पार्टनर्स के जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट को फाइंड किया जाएगा और गारंटी अमाउंट जिसे दी गई है उसी गारंटी अमाउंट जो है पूरी दी जाएगी. राइट स्टूडेंट, I hope you all understood this topic very much. If you found this video is to be effective, then please like and subscribe the channel. अपने friends को भी जरूर ये जो video share करना ताकि ये जो topic है बहुत अच्छे से उनका prepare हो और उनको भी इसका benefit achieve हो. इस video से आप इस topic को बहुत अच्छे से clear कर सकते हैं और जो exercise में question है वो भी easily find out कर सकते हैं. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो है फंडामेंटल चैप्टर का. कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ऑल्सो. थैंक यू, हैव ए चीयरफुल डे.